वाराणसी में समाजवादी पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह ने आज रामपितोरा स्थित चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव में जमीनी स्तर के मुद्दे उनके रहेंगे। नगर निगम के माध्यम से बिजली, पानी और सड़क की जो खामियां हैं उसे प्राथमिक रूप से दूर करने का काम वह करेंगे। डॉक्टर ओपी सिंह ने कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि गंगा आज भी प्रदूषित है और इसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो गए, लेकिन अभी तक जिस तरीके से गंगा की सफाई होनी चाहिए थी उस प्रकार से गंगा साफ नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर ओपी सिंह ने G20 को लेकर के बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि G20 से काशी की जनता को आखिर क्या लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सेवा और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को दूर करने का काम किया गया होता तो जनता के हित में होता, लेकिन वह काम नहीं हुआ है। उन्होंने जीतने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि पिछले 25 सालों से अधिक समय से बीजेपी का यहां पर मेयर है और शहर का जिस रूप में विकास होना चाहिए था कतई उस रूप में विकास नहीं हुआ। गलियों की दुर्दशा आज भी काशी में बनी हुई है। इसके साथ ही सीवर की समस्या और गंदे पेयजल की सप्लाई से भी जनता त्रस्त है। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और आप काशी की जनता बहुत समय बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही। शंखनाद जिससे सदन में इस बार सबसे अधिक पार्षद समाजवादी पार्टी के और महापौर भी समाजवादी पार्टी के होंगे। वाराणसी से स्टेट मीडिया संवाददाता बबलू चौरसिया की विशेष रिपोर्ट। जाम की समस्या और करोड़ों करोड़ों रुपया पानी के नाम पर पिछले दिनों सरकार ने खर्च किया, उसके बावजूद भी शहर के सभी वार्डों में गंदा पानी की सप्लाई हो रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर हम सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इन सवालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है और समाजवादी पार्टी का सदन में पार्षद का बहुमत और महापौर का भी चुनाव जीतने समाजवादी पार्टी जा रही है।